हाय गाइस, मैं हूं स्नेहा। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो मेरी आज की वीडियो है कि प्राइमर, कंसीलर और फाउंडेशन को कैसे लगाएं, कितनी क्वांटिटी लें, इसको किस ऑर्डर में लगाएं और इसको लगाने का सही तरीका क्या है। तो आज की वीडियो के लिए जो मैं प्राइमर, कंसीलर और फाउंडेशन इस्तेमाल कर रही हूँ वो है ये तीन प्रोडक्ट्स। सो इट्स द ब्लू हेवन प्राइमर, नायका स्किन जीनियस स्कल्पटिंग एंड हाइड्रेटिंग फाउंडेशन एंड एले गर्ल प्रो कंसील एच डी कंसीलर। सो इवन बिफोर आई स्टार्ट अप्लाइंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स, मुझे अपने स्किन को हाइड्रेट या अपने स्किन के ऑयल वाटर बैलेंस को बनाना ज़रूरी है, यानी कि मुझे इन सभी प्रोडक्ट्स से पहले इस्तेमाल करना होगा एक मॉइस्चराइजर। तो मैं ये लॉरियल पैरिस का स्किन परफेक्ट क्रीम फिल्टर इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये एज वाइज आता है तो मैं एज 20+ इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपकी एज 30+ है तो आप इसका 30+ वाला वर्जन ले सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फाउंडेशन में पपड़ी ना जमे किसी तरीके की, तो मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल ना भूलें। मॉइस्चराइजर आपको इतना लेना है कि आपका पूरा फेस अच्छे से हाइड्रेट हो जाए विदाउट लुकिंग वेरी ग्रीजी और ऑयली। सो आपको इतनी क्वांटिटी में मॉइस्चराइजर लेना है। सो नाउ आई एम टेकिंग माई प्राइमर। मैं ब्लू हेवन का ये परफेक्ट मेकअप बेस स्टूडियो परफेक्शन प्राइमर ले रही हूँ। सो दिस इज ऑयल फ्री नॉन ग्रीजी प्राइमर। अब प्राइमर आपको लेना है इतना, ये है मटर के दाने का साइज। सो मटर के दाने का जितना साइज होता है आपको उतना अपना प्राइमर लेना है। अपने फर्स्ट टू फिंगर्स पे इस तरीके से रन और सिर्फ जहां पे आपके ओपन पोर्स हैं या जहां से आपका मेकअप जल्दी ब्रेक होने लगता है सिर्फ वहीं लगाना है। मेरे लिए मेरे फेस का ये सेंटर पोर्शन है। अगर आपको लगता है कि आपके पूरे फेस पे ये प्रॉब्लम है, आप इतनी ही और क्वांटिटी ले सकते हैं, बट इससे ज्यादा ना लें। सो प्राइमर आपके जो भी ओपन पोर्स हैं, चेहरे पे कोई फाइन लाइंस, रिंकल्स हैं, उसको फिल करते हैं क्योंकि इसमें सिलिकॉन्स होते हैं एंड साथ ही में आपके मेकअप को एक बहुत स्मूथ बेस देता है। यानी कि इसके बाद जब आप कंसीलर फाउंडेशन लगाएंगे बड़ी आराम से आपके स्किन पे लगेगा, बड़ी ही आराम से ब्लेंड होगा और ये आपके मेकअप के वेयर टाइम को भी बढ़ाता है। यानी कि मेकअप अगर आपका जल्दी ब्रेक होने लगता है, जल्दी फेड होने लगता है, जल्दी क्रीजेस पड़ने लगते हैं तो उस चीज़ को ये रोकता है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे फाउंडेशन की तरफ। मैं नायका का ये स्किन जीनियस स्कल्पटिंग एंड हाइड्रेटिंग फाउंडेशन ले रही हूँ। मेरा शेड है इसमें 03 वार्म सैंड। सो अगर आपकी मेरी तरह मीडियम स्किन टोन है ये आपके लिए अच्छा है। सो फाउंडेशन अगेन अप्लाई करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन कि आपका फाउंडेशन लिक्विड, क्रीमी, स्टिक या पाउडर है। बिकॉज ये लिक्विड फाउंडेशन है, द बेस्ट वे टू अप्लाई इज डॉट्स की फॉर्म में। सो मैं ले रही हूँ अपना मेकअप ब्रश एंड मैं अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी। सो अगर आपको अपने फाउंडेशन से फुल कवरेज चाहिए, आप एक मेकअप ब्रश का इस्तेमाल करें। स्पंज अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके फाउंडेशन की कवरेज को हल्का सा कम कर देता है, बट वो ज़्यादा नेचुरल लुक देता है। दिस इज फॉर हायर कवरेज। नेक्स्ट कमिंग टू द कंसीलर, मैं एले गर्ल का प्रो कंसील एच डी ले रही हूँ। शेड है मीडियम बेज। Now this is a very affordable and very good quality concealer. So इसको under eyes पे इस तरीके से apply करना है। आपको इसे inverted V की shape में apply करना है ताकि under eye dark circles का जो भी गड्ढा area या deep लगता है ना, black लगता है, dark लगता है, उस चीज़ को ये brighten up करेगा। थोड़ा सा आप इसे अपने नोज तक एक्सटेंड करके ले जाएं और अगर आपके माउथ के आसपास डार्कनेस लगती है सो ये चीज़ आप अपने माउथ के आसपास भी करें। तो कंसीलर आपके फाउंडेशन से ज़्यादा थिक और ज़्यादा कवरेज देने वाला होता है, तो ऑलवेज कंसीलर अपने फाउंडेशन से कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करें। तो आपका फेस केक ही दिख सकता है, ऐसे लग सकता है कि आपने एक लेयर लगाई हुई है, आपने अलग से मेकअप किया हुआ है। बेस प्रोडक्ट्स का मेन
हमारे लगाने का यही रीज़न रहता है कि स्किन की कोई भी परेशानियां हो उनको छुपाए बट मेकअप को ऑब्वियस ना बनाए। नाउ एज यू कैन सी इसने जो भी अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं उसे बहुत अच्छे से कंसील किया है, बहुत अच्छे से करेक्ट किया है, या एट द सेम टाइम फेस को एक फ्लॉलेस लुक दिया है। ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ बहुत केकी या कुछ इस तरीके का हैवी मेकअप प्रोडक्ट लगाया है। अब इसके बाद आप चाहें तो अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है, एक कंप्रेस पाउडर से आप इस पूरे चीज़ को फिनिश कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर से आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है, यू कैन लीव इट एज इट इज़। सो मैं ब्लू हेवन का ये कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ एंड बिकॉज मेरी स्किन ऑयली है, जहाँ पे भी मुझे लगता है कि मेरी स्किन ज़्यादा ऑयली होने लगती है, मैं वहाँ पे इस तरीके से इसे अप्लाई कर लूँगी। सो ये मेरे पूरे फेस को मैटिफाई कर देगा। सो आई विल फिनिश माई मेकअप विद दिस ब्लश। ये एसेंस ब्रांड का ब्लश है एंड मेबेलिन के ये कलर शो लिपस्टिक के साथ ये है बिग एप्पल रेड। नाउ दिस इज अ वेरी प्रिटी पिंक लिपस्टिक। एज यू कैन सी मुझे बहुत कुछ नहीं करना पड़ा अपने फेस पे, बट क्योंकि मैंने प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर सही चूज किया अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, सही से उसे लगाया और ब्लेंड किया, सो ये मेरे बेस मेकअप को बिल्कुल फ्लॉलेस दिखा रहा है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, हाउ टू अप्लाई प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर एंड इसके पहले और इसके बाद क्या करें ताकि आपको एक कंप्लीट मेकअप लुक मिल सके। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। स्क्रीन पर आ रहे गोल आइकन पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नेक्स्ट स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करके उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।